मदल मुस्लिमीन के चवालीस नौ मनतखबा कॉर्पोरेटर्स ने आज सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पैरसर सदुद्दीन तो अवैसी और पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की जी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के नौ मनतखबा अरकान ने बल्दिया नेदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए इजहार तशक् किया इस मौके पर सदर मजलिस ने कहा कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के अहदे के सिलसिले में पार्टी एम एल एस एम एल सी व दिगर मुतल अफराद के साथ इजलास मन्कद करते हुए आगे का लाहेमल तैयार करेंगे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जीएचएमसी मेयर के इंतब बीजेपी की जीत बंगाल के इलेक्शन समेत दिगर कई अहम मौजू पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए जिंदगी में जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है सबकी जरूरत पड़ती है मगर जहाँ तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन डेढ़ सौ मुंसिपल वार्ड्स का ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है क्योंकि निरडमेड का एक म्यूनसपल वार्ड का नतीजा आने वाला है रुका हुआ है कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा मेयर और डिप्टी मेयर का अभी हमारे पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एम से तमाम लोगों से बात करूँगा और ना टी आर एस से हमारा कोई कॉन्टैक्ट ना हो हम उनसे करें ना वो हमसे किए तो जब भी टाइम है उसके लिए अरे भाई इनका कितना हुआ डेढ़ सौ डेढ़ सौ लड़े ये लोग और थर्टी सिक्स परसेंट सक्सेस रेट इनका स्ट्राइक रेट हमारा एट्टी सिक्स परसेंट है ये आपको देखना चाहिए कि अगर हम लड़ लेते सत्तर अस्सी तो भाई साहब फिर तो सबकी टाँ कर दिए थे हम हैदराबाद की जनता ने ना एमआईएम को डिसाइसिव मैंडेट दिया ना बीजेपी को दिया ना टीआरएस को दिया इस मैंडेट की इज्जत करना जरूरी है इस मैंडेट को समझना जरूरी है तो बंगाल में पार्लियामानी चुनाव हुए अठारह बीजेपी बीजे जीते हम तो एक भी नहीं लड़े क्या क्या बोलेंगे आप टीएमसी के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी भाग रहे हमसे पूछ के जा रहे हैं क्या वो अरे हर चीज में हमको लाके आप लोग खड़ा कर थे सामने अरे हमारे खंदे पे रखकर बीजेपी का बाजा मत बजाइए हमारे खंदे पे रखकर बीजेपी का प्रोपोगंडा मत करिए और बीजेपी अगर जीत रही है तो क्यों जीत रही है भी तो देखिए भाई आप तो मुसलमानों का सेक्युलर वोट ले रहे हैं मगर आपका ऑर्डर कहाँ भाग रहा है वो भी तो सोचिए आप वो क्यों नहीं सोचते जिस दिन ये तमाम जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो इस चीज को सोचेंगे समझेंगे प्लान आउट करेंगे तभी जाकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे अगर ये दिन रात चौबीस घंटे से वसुद्दीन अवैसी रामायम करते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है करते रहिए आप हमारा नाम लेते रहिए हम और आगे बढ़ते जाएंगे